हेलो एवरीवन दिस इज़ काजल शर्मा वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है जब कोई टीचर बच्चे को टीच करते टाइम क्लास में प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है कैसे सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को टीच करता है उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ टेक्निक वेयर द लर्नर्स मास्टर्स द पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मास्टर करते हैं मास्टर्स वॉट मास्टर्स पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस यानी जो सेंटेंस का पैटर्न है वो कैसे बनता है सब्जेक्ट कहाँ पर आता है वर्ब कहाँ पर आती है ऑब्जेक्ट कैसे फिक्स होता है तो इसी की स्टडी करना इसी में मास्टरी करना कहलाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच इट इंक्लूड्स वेरियस मोड्स इन विच क्लॉजेस फ्रेजेस एंड वर्ड्स यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम काफ़ी मोड्स के थ्रू सीख सकते हैं जैसे क्लॉजेस फ्रेजेस एंड वर्ड्स नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच की क्या डेफिनेशन होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ साइंटिफिक स्टडी यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में साइंटिफिक स्टडी की जाती है ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देयर एनालिसिस एंड अरेंजमेंट इन लॉजिक फॉर्म जो हम एनालिसिस करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करते हैं उसको लॉजिकल फॉर्म में हम उसको गो थ्रू करते हैं अब नेक्स्ट हम करते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या की पॉइंट्स होते हैं क्या फीचर्स होते हैं फर्स्ट की पॉइंट है स्ट्रक्चरल अप्रोच पॉपुलरली नोन एज सिचुएशनल अप्रोच जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसको सिचुएशनल अप्रोच भी बोला जाता है बिकॉज़ हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं जैसे किसी ने बोला शी सीता वो सीता है बट अगर हम इसी सेंटेंस को बोले इज शी सीता हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं इज शी सीता तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया यानी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच भी बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन अजम्पन दैट लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रो यानी इस अप्रोच की अजम्प्शन है विश्वास है कि जो लैंग्वेज है हम उसको लर्न कर सकते हैं अ साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर यानी जब हम सिलेक्शन करते हैं स्ट्रक्चर का सेंटेंसेस का वर्ड्स का तो एक साइंटिफिक फॉर्म में करें प्रॉपर वे से करें नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलराइज बाय तमिलनाडु एंड फ्रॉम स्टेट इन दिक्कटीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद यानी इस अप्रोच को फेमस किया गया था कहाँ से फेमस हुई थी ये अप्रोच इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद से नेक्स्ट पॉइंट है एवरी स्ट्रक्चर आर केयरफुली ग्रेडेड अब यहाँ पर ग्रेडिड का मीन्स होता है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसकी हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसकी केयरफुली ग्रेडेशन करनी होती है नेक्स्ट की पॉइंट है स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसका प्रॉपर एक वर्ड ऑर्डर होता है एग्जाम्पल से समझते हैं वर्ड ऑर्डर पैटर्न ऑफ वर्ड इम्पॉर्टेंट वेरी मच अब यहाँ पर आप से समझिए यहाँ लिखा है राम किल्ड स्नैक इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है राम ने सांप को मारा यहाँ राम सब्जेक्ट है किल्ड यहाँ पर वर्ब है एंड अस्ैक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन हम इस सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बदल दे हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं अस्ैक किल्ड राम तो यहाँ पर सेंटेंस ही बदल जाता है कि सांप ने राम को मारा ठीक है तो इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होने से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम बच्चों को स्ट्रक्चरल अप्रोच क्यों टीच करें या फिर उसको टीच करने की क्या क्वालिटीज़ होती है क्या उसके करेक्टरस्टिक्स होते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है देर आर टू सेवेंटी फ़ाइव स्ट्रक्चर फ्राम द कोर ऑफ अशेंशल इंग्लिश विद स्टूडेंट्स लर्न एनी स्कूल स्टेज मस्ट नो जब हम अपने स्कूल स्टेज में होते हैं इवन ग्रेजुएशन में ऑल्सो हमें ग्रामर के रूल्स कराए जाते हैं सेंटेंस के प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं तो यहाँ पर जो बच्चे सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखते हैं स्कूल स्टेज तक ऑलमोस्ट टू सेवेंटी फाइव स्ट्रक्चर कोर बनाना बच्चे सीख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हम बच्चों को क्यों टीच कर रहे हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू टू टीच फॉर फंडामेंटल स्किल्स यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच से जब बच्चे लर्न करते हैं तो बच्चों के अंदर फ़ोर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है एंड वो फोर स्किल्स क्या है दैट इज़ एल एस आर डब्ल्यू एल एस आर डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग की ये फोर बेसिक स्किल्स होती है जो हम किसी भी अप्रोच के थ्रू बच्चों को टीच करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है टू को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर अगर बच्चों को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू टीच करते हैं तो बच्चा ग्रामर के रूल से भी बच्चा क्या कर पाता है को रिलेट कर पाता है नेक्स्ट पॉइंट है टू अनेबल द चिल्ड्रन टू अटेन मास्टरी ओवर एन असेंशियल वोकेबलरी अबाउट थ्री थाउजेंड वर्ड्स जब बच्चा स्कूलिंग जब तक करता है तो बच्चे ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड रूट वर्ड्स में मास्टरिंग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच नेक्स्ट पॉइंट है टू तो ले प्रॉपर एम्फेसिज ऑन द औरल अप्रोच अब इस अप्रोच में औरल जो स्किल्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ये प्रिंसिपल्स दिए थे प्रोफेसर एफ जी फ्रेंच ने ये साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एजुकेशनिस्ट भी हैं इन्हें इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे स्ट्रक्चरल अप्रोच के फर्स्ट प्रिंसिपल है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज हैबिट इनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो एक आपकी हैबिट बन जानी चाहिए कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं उसको बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज हमारी हैबिट बन जाती है द स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज़ स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट पर्टिकुलरली फॉर्मिंग वर्ड्स इन इंग्लिश यानी जब हम इंग्लिश के वर्ड फॉर्म करते हैं डेली लाइफ में यूज़ करेंगे जब हम इंग्लिश का तो इंग्लिश हमारी हैबिट बन जाती है नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीच अब यहाँ पर जो ओरल कम्युनिकेशन होती है स्पीच होती है उसका ज़्यादा रोल होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव यूज ऑफ स्पीच अगर आप किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हो तो आप उस स्ट्रक्चर को अपनी स्पीच में इफ़ेक्टिव वे से यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है प्यूपिल्स एक्टिविटी अब जो प्यूपल्स की एक्टिविटी होती है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज प्यूपिल्स एक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्टिविटी ऑफ टीचर जो प्यूपिल की एक्टिविटी होती है यानी जो बच्चों की एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन टीचर रोल यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो गाइडर होता है लेकिन जो ज़्यादा एक्टिव रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ औरल अप्रोच अभी हमने सेम पॉइंट किया था स्पीच वाला तो सेम ही है कि यहाँ पर औरल स्किल पर ज़्यादा वर्क किया जाता है नेक्स्ट है ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स आउन ग्रामर हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है इस बात से हम सभी नॉन हैं नेक्स्ट हम करेंगे क्या मेरिट्स होती है बच्चों को स्ट्रक्चरल अप्रोच टीच करने की बच्चे स्ट्रक्चरल अप्रोच से सीख के क्या क्या लर्न कर सकते हैं क्या क्या गेन कर सकते हैं नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट्स स्ट्रक्चरल अप्रोच की मेरिट काफ़ी ज़्यादा होती हैं बिकॉज स्ट्रक्चरल अप्रोच से बच्चे काफ़ी कुछ लर्न कर पाते हैं ग्रामर के रूल सीख पाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है इट लेज़ मोर एम्फोसिस ऑन ओरल अप्रोच यहाँ पर जो ओरल स्पीच होती है ओरल वर्क होता है वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द लर्नर्स टू प्रैक्टिस अब इस अप्रोच में लर्नर्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी अडॉप्टेड टू एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन अब हम देखते हैं जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वो हम स्कूल टाइम पीरियड में भी इवन जो हमारी हायर एजुकेशन होती है वहाँ भी हम सीखते हैं और जो स्कूल की स्टेजेस होती है चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो मिडिल स्टेज हो या हायर सेकेंडरी स्टेज हो सभी स्टेजेस पर जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स एल एस आर डब्ल्यू स्किल्स यहाँ पर जो फंडामेंटल स्किल्स होती है लिसनिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड रॉइटिंग वो भी डेवलप होती है नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एनवायरमेंट फॉर लर्न फॉरन लैंग्वेज यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू सीखते हैं तो हमें ग्रामर के रूल्स आ जाते हैं हम लैंग्वेज में यूज़ करना सीख जाते हैं इंग्लिश का तो यहाँ पर हम फॉरन लैंग्वेज का एनवायरमेंट क्रिएट करके उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं नेक्स्ट है लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं एक्टिव रोल प्ले करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स बिना एक्टिव हुए रूल्स नहीं सीख सकते तो यहाँ पर लर्नर्स का एक्टिव होना मस्ट होता है नेक्स्ट हम करेंगे डी मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच की क्या डी मेरिट्स होती है फर्स्ट डी मेरिट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी प्रैक्टिस अब बच्चों को स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू प्रैक्टिस कराना नॉट एन ईजी टास्क ये ईजी टास्क नहीं होता तो बच्चों को क्या इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट पॉइंट है इट रिक्वायर्स टैलेंटेड एंड स्किलफुल टीचर अब ये भी कम्पल्सि नहीं है कि हर जगह स्किलफुल टीचर अवेलेबल हो तो ये भी टफ़ हो जाता है कि स्किलफुल टीचर अरेंज करना नेक्स्ट है ओनली स्ट्रेस ऑन स्पीच यहाँ पर स्पीच स्किल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कम्पेरिटिवली टू अदर स्किल्स नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अब बच्चों को आप सिखाएंगे कुछ भी किसी चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि टाइम टेकन होगा तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा तो थैंक यू वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब